देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, एक अनिल अंबानी, दूसरे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, तो वहीं अनिल अंबानी उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गए। एक तरफ मुकेश अंबानी जहां अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं, तो वहीं अनिल अंबानी जो कि उनके छोटे भाई हैं, अब वो कंगाल हो चुके हैं। 2008 तक दोनों भाई संपत्ति के मामले में लगभग बराबर थे, लेकिन 2009 में आई वैश्विक मंदी का असर दोनों भाइयों के कारोबार पर भी पड़ा। हालांकि मुकेश अंबानी इससे जल्दी उबर गए, लेकिन अनिल अंबानी की संपत्ति में शुरू हुआ गिरावट का दौर तब से अब तक बदस्तूर जारी है। साल 2006 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब अनिल अंबानी की कुल संपत्ति बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि मुकेश अंबानी जहां दुनिया के पांचवें सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं, वहीं अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति इन दिनों 77 अरब डॉलर हो गई है, जबकि अनिल अंबानी पिछले साल ही अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं और अब इस वक्त उनकी कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर से भी कम रह गई है। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी ने कंपनी के चेयरमैन और अनिल अंबानी ने MD का पद संभाला था। साल 2004 में दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा और 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो गया था। उस वक्त दोनों भाइयों की कुल संपत्ति 7 अरब डॉलर थी। अब बंटवारे के 15 साल बाद दोनों भाइयों की नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। बंटवारे के बाद से अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 9 गुना बढ़ी है। दोनों भाइयों के बीच बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में मुख्य तौर पर पेट्रोकेमिकल का बिजनेस आया था, वहीं छोटे भाई अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कैपिटल एनर्जी का बिजनेस आया। 2008 तक दोनों भाइयों की संपत्ति के मामले में लगभग बराबर थे, लेकिन 2009 में आई वैश्विक मंदी का असर दोनों भाइयों के कारोबार पर पड़ा। हालांकि मुकेश अंबानी इससे जल्दी बाहर आ गए, लेकिन अनिल अंबानी की संपत्ति में शुरू हुआ गिरावट का दौर तब से बदस्तूर जारी रहा। अनिल अंबानी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं और अब वो दिवालिया होने के कगार पर हैं। बंटवारे के वक्त तक दोनों भाइयों के बीच समझौता हुआ था कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस में नहीं उतरेंगे, लेकिन साल 2010 में ये समझौता खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कदम रखा और रिलायंस जियो के साथ धमाकेदार एंट्री ली। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि जियो के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन को ही उठाना पड़ा। बता दें कि साल 2016 में रिलायंस जियो जब लॉन्च हुई थी, तो उसके कुछ दिन बाद यानी कि सितंबर माह में जियो के यूजर की संख्या 1.60 करोड़ थी, वहीं रिलायंस कम्युनिकेशन के यूजर की संख्या 8.71 करोड़ थी। उस वक्त अनिल अंबानी की कंपनी का मार्केट शेयर 8% से ज्यादा था, जबकि जियो के पास सिर्फ 1.52% मार्केट शेयर था। लेकिन आज साल 2020 में स्थिति यह है कि जियो का मार्केट शेयर बढ़कर 33% से ज्यादा हो गया और उनके यूजर्स की संख्या बढ़कर करीब 40 करोड़ पहुंच गई है। इसके उलट अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन का मार्केट शेयर गिरकर 0.002% रह गया है और उनके यूजर्स की संख्या सिर्फ 18,000 के करीब है। आज अनिल अंबानी पर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, वहीं मुकेश अंबानी हाल में ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले ग्रुप की मार्केट वैल्यू जहां बढ़कर 12,00,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है, वहीं अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरकर 2,000 करोड़ से भी कम हो गई है। तो इस तरह कहा जाए कि मुकेश अंबानी एक तरफ जहां दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी उसी सीढ़ियों से लगातार नीचे आ रहे हैं, जबकि दोनों को बराबर का पैसा मिला था, पिता से बराबर का कारोबार मिला था। तो ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और अब वो कंगाल होने की कगार पर हैं।